रेडी करते हैं। हाँ, मैं DID पे काफ़ी बार आ चुकी हूँ एंड आई थिंक TV एक बहुत अच्छा माध्यम बन गया है फिल्मों के इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि डायरेक्टली हम अपनी फिल्मों के बारे में, जो एक और तरीका है एंटरटेनमेंट का, उसको लोगों के बेडरूम्स तक ले जा सकते हैं, उनके घरों तक ले जा सकते हैं एंड ये एक बहुत अच्छा अमैलगमेशन है मेरे हिसाब से, और मुझे तो बहुत मज़ा आता है। स्पेशली दादा होते हैं यहाँ पे और इतने अनबिलीवेबली टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं, जो इन दोनों को आज मैं दिखाने वाली हूँ, सुपर टैलेंटेड किड्स जो फुल कॉम्प्लेक्स दे देंगे आपको, आप उसके बाद कभी नहीं डांस कर पाएंगे क्योंकि ये बच्चों को देखने के बाद। नहीं मतलब हर टाइप का गाना है ना वो, तूने मारी एंट्री थोड़ा सेलिब्रेटोरी, थोड़ा हाई एनर्जी मस्ती वाला गाना है, अस्सलाम इश्कुम सेक्सी वाला गाना है, जिया वो प्यार मोहब्बत वाला गाना है, साइयां वो प्यार मोहब्बत में ठोकर खाने वाला गाना है, और जश्न इश्का है, हीरो का इंट्रो वाला गाना है, हीरो का इंट्रो, और वो गाना जिसमें तुमको रैपर की तरह नहीं लिया वो गाना भी है, वो गाना है जो रणवीर डिसोन करते रहते हैं। प्रियंका चोपड़ा के साथ एक्टिंग करनी पड़ेगी, इतने अवार्ड जीते हैं, नेशनल अवार्ड जीता है, तो मेरी एक्चुअली बहुत फटी हुई थी। मैंने सोचा आई बेटर डू माई बेस्ट वरना मेरी कच्ची कट जाएगी, तो कोशिश की। अब देखते हैं फिल्म, आप देख के बताइए, जब आप लोग देखोगे तो बताना सी कच्ची कटेगी नहीं।